हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो 24/7। स्टूडेंट्स, क्या नीट क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी इनफ है? नीट की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी होगा? ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आपके दिमाग में भी आते होंगे। तो बच्चों यस, एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। नीट में बायोलॉजी में से एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा आप सोच रहे हैं, मैडम ऐसा कैसे कह रही हैं? बेटा एनटीए कंडक्ट कराता है नीट का एग्ज़ाम, तो एनटीए से ही गाइडलाइंस है कि नीट में एनसीईआरटी से बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है आपको बच्चों? सबसे पहले आप किसी टॉपिक को लेकर बैठे हैं, उस टॉपिक के रीड करिए, उसके अच्छे पॉइंट्स को हाईलाइट करिए। वैसे तो एनसीईआरटी में सारे ही बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन बनने वाले हैं, फिर भी आप कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कोई डेटा है, कोई नेम्स हैं, कोई आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसको हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड टाइम आप उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उसके नोट्स बनाइए। उसके मान लीजिए आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो उसका माइंड मैप बनाइए। उसके माइंड मैप बनाने के बाद अब आप दोबारा जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे तो वो चैप्टर आपको बहुत ईजीली लर्न हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको एनसीईआरटी एक बार में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको एनसीईआरटी कम से कम 2 से 3 बारी पढ़नी पड़ेगी ताकि वो आपको अच्छे से लर्न हो जाए। जब आप एनसीईआरटी को कंफर्म कर चुके हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से लर्न हो चुकी है, उसके बाद आप सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए अदर रेफरेंस बुक या मॉड्यूल्स वगैरह आप ले सकते हैं। वरना सबसे पहले प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? सिर्फ एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी इज़ द सोल बुक फॉर नीट। ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर आपको बच्चों कोई ऐसा माइंड मैप चाहिए किसी चैप्टर के लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।